ऑडियो संगम के सुनने वाले तमाम मित्रों को नमस्कार। मैं आफ्ताब राणा एक बार फिर आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की कविता का शीर्षक है चौराहा। जिंदगी चौराहे पर खड़ी है, चौराहा जिसके चारों तरफ रास्ते ही रास्ते हैं। एक रास्ता महबूबा की तरफ जाता है और उसी रास्ते पर सब कुछ गुम होता हुआ नजर आता है। एक रास्ता देश की तरफ, एक रास्ता रिश्ते की तरफ और एक रास्ता अपने घर की तरफ, जहां माँ है, जहां भाई है, जहां बहनें हैं। बस यही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप दुनिया तो पाते ही हैं, सब कुछ आपकी झोली में आ जाता है। हाँ, महबूबा वाला रास्ता कुछ रंगीन तो है, वहां चलकर हमें कुछ देर के लिए सुकून मिलता है, मगर छूट जाती है दुनिया, छूट जाता है देश, छूट जाते हैं वो लोग जो आपके अपने हैं। मैंने रास्ता नंबर एक ही चुना है, वो रास्ता है अपने भाइयों से मोहब्बत का, अपनी बहनों से शफकत का और अपनी माँ के आंचल में सिमट कर सो जाने का। मैंने चुना है अपनी माँ का आंचल, ताकि उस आंचल के साए तले दुआएं लेकर मैं इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि यहीं से आपको मिलता है मुल्क की तरफ जाने के लिए रास्ता। तो आइए, हम चौराहे पर खड़े हैं, हमें आपको सबको सोचना होगा कि वो कौन सा रास्ता अपनाए जो सब कुछ दिला दे। धन्यवाद।